हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या छुपा है, इस रिश्ते को लेकर ऐसा क्या है जो अब तक आपको पता नहीं है या आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी ज़ोडियक साइन के लिए है। ओके, तो जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, देखते हैं एंजल्स हमें क्या बताते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके इस रिश्ते के बारे में। जो भी बीमार ऊपर वाला, उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी थर्ड पार्टी आप सभी की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, आप सभी की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएँ। थर्ड पार्टी नेगेटिविटी और परेशानियाँ हमेशा के लिए आप सभी की लाइफ से दूर हो जाएँ, आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। ओके, चलिए स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके इस रिश्ते के बारे में। द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक और कार्ड है, ओके, वाओ वाओ, ओके, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, बहुत प्यारी, नाइन ऑफ कप्स, ओके, एट नाइन टेन, आपको कुछ इस तरीके के नंबर्स भी दिख रहे होंगे, वन टू थ्री या फोर फाइव सिक्स, ठीक है, फाइव ऑफ सॉर्ट्स, फोर ऑफ सॉर्ट्स, यही आ रहा है, थ्री फोर फाइव, क्वीन ऑफ कॉइंस, द मैजिशियन, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ट्स। बातचीत हो तो प्लीज़ एक दूसरे से झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करें आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी अलग भी हो सकती है आप लोगों की, कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और उसकी वजह से किसी बात को लेकर सेपरेशन हुआ है। हाँ, कुछ कार्ड हम टैरो से भी ले लेते हैं। स्पिरिट हमें डिमांडिंग गाइड कीजिए, हमारे भी उसके पार्टनर के दिल में क्या छुपा है, क्या बताना चाहते हैं वो, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है आपके पार्टनर की, ऊपर वाला करे जल्दी ही अब वो लौट कर वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा बन जाए। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स, फोर ऑफ सॉर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है आपके पार्टनर, हो सकता है आपके साथ मिसबिहेव किया हो आपके पार्टनर ने बहुत। द एम्परर, द एम्परर, दो बार ये कार्ड आया है यहाँ पर, फिर आया है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स, द डेविल, द फूल, ओके, ठीक है गाइस, द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये हो सकता है कि आप दोनों के ईगो की वजह से, मतलब उन्होंने कुछ कहा और वो चीज़ आपने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो कहते ना बिना वजह आपको कुछ भी कह रहे थे, ठीक है, एक रीज़न ये भी है कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं अलग हो गया आप दोनों, है ना। अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ओके, चलिए ये रीज़न तो है, लेकिन एस ऑफ वांड्स का कार्ड हमारे पास आया है जो ये दिखा, एस ऑफ सॉर्ड्स का, तो तभी एनर्जी आई है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो बहुत बड़ा, या आर्ग्यूमेंट हुई हो, उसके बाद में आप दोनों सेपरेशन में चले गए। तो अब आपको ये करना है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं वापस और ये टावर मूवमेंट वापस से ख़त्म होता है, तो आपके पार्टनर भी रिपीट नहीं करेंगे,
पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है, झगड़ा हुआ है खास तौर पर, तो आप भी उसको रिपीट मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उन सभी बातों को आप दोनों भूल जाएं। अगर आप रिपीट करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके पार्टनर कह देंगे कि उन सब चीज़ों को भूल जाओ, और अगर वो रिपीट करें तो आप बहुत प्यार से कह दीजिएगा कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको भूल जाते हैं, अच्छे से नए से इस रिश्ते को शुरू कर दें। आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों ही मुझे थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं, और थोड़ी हट वाली भावना आप में भी है कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। वो तो वो वहाँ पे अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से अच्छे से शुरू हो जाए तो आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का बिल्कुल। अभी भी फ़िलहाल आपके पार्टनर जो है, और कहीं ना कहीं आप भी थोड़े गुस्से की एनर्जी में है, तो गुस्सा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर गुस्से में और आप दोनों के सेपरेशन के बाद किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का बिल्कुल दिल तोड़ दिया। आपके पार्टनर गुस्से में अगर गए थे या प्यार में गए थे, तो भी आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को छोड़ दिया। आपके पार्टनर का दिल टूटा है जिस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट करके, ऑब्वियस है कि वो सिर्फ गुस्से में गए थे, और अगर कोई और रीज़न भी था और वो चले गए थे, तो भी उनका दिल टूटा है थर्ड पार्टी की तरफ से। इवन अगर उन्होंने इंगेजमेंट भी कहीं कर ली थी, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, या शादी की उनकी डेट फिक्स हो गई थी, तो पूरे चांसेस हैं कि शादी की डेट भी वहाँ पे उनकी हट जाए और वो आपके साथ इस रिश्ते में वापस आ जाए। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ट्स के साथ मेरे पास आया है टेन ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि आपके पार्टनर आपसे थर्ड पार्टी से निकल कर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी और अलग भी हो सकती है, कि हो सकता है आपके पार्टनर सिंगल हैं और आप एक या दो बच्चों की मामा या फादर हो सकते हैं, और या फिर वो सिंगल हैं आप मैरिड हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप दोनों वापस से एक हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, शादी का कार्ड है तो ऑब्वियस है, थ्री ऑफ सोर्ट्स के साथ है, तो यहाँ पे साफ है कि आपके पार्टनर ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एट ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर से आपकी काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई थी, आप दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में ब्लॉक कर दिया था, तो यहाँ पूरे चांस हैं कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ वापस बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको मनाएंगे इस रिश्ते में। ओके, और हो सकता है आपके पार्टनर जब आपसे बात करें तो आपके सामने शादी का ऑफर रख दें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस नए से शुरुआत करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर इस वक्त आपको पूरी तरह से अपना बनाना चाहते हैं और आपको ऑफर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कमिटमेंट ही है यहाँ पे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्यार तो है ही उनके दिल में आपके लिए। अगर आप में से कोई भी कुछ टेक्निक यूज़ कर रहा है, तो वो टेक्निक वर्क कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो भी चीज़ अगर आपने की हुई है, कोई भी टेक्निक वो आप कंटिन्यू करते रहें, वो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी पर्सन आएगा, अगर देखिए वो थर्ड पार्टी में थे, यहाँ से तो वो निकल जाएंगे डेफिनेटली। थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत बड़ा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी थी तो वहाँ पर भी उनका आर्ग्यूमेंट हुआ है, क्योंकि वो इस वक्त अब आपके लिए स्टैंड लेने के पूरी तरह से मूड में है। आपके पार्टनर आपके बिना काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। जिस वक्त से आपके पार्टनर का रिश्ता आपसे टूटा था, उनकी लाइफ पूरी तरह से नेगेटिव तो हो ही गई थी, साथ में आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें रह रहकर उन्हें आप ही का ख्याल आता था हमेशा। आपकी ही एनर्जी उन्हें हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि आपके पार्टनर आएँ आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस, और इस रिश्ते की वापस नई शुरुआत करें और आप उनका कमिटमेंट एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर आप पूरी तरह से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कमिटमेंट लेने का। ओके, और यहाँ पर पूरा पूरा आपके पार्टनर तैयार हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए और इस रिश्ते में वापस नई शुरुआत करने के लिए। द मैजिशियन, आप दोनों के बीच में जो भी फाइट्स हुई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, पूरी तरह से ख़त्म तो हो ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आगे होकर आपसे बात तो करेंगे ही और कमिटमेंट भी लेंगे। यहाँ पर बड़ी प्यारी सी एनर्जी आई है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ट्स। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो टेंशन में होते हुए भी अपने वर्क पे पूरी तरह से फोकस्ड है, अपने काम पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की कमी ज़रूर लगती है, तो आप थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ मंत्र चैंट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी टेक्निक, मेडिटेशन भी कर रहे हैं आप लोग, तो वो कंटिन्यू करते रहिए। और जो भी लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं,
आपको ये सब चीज़ें करते रहना है। ओके, आपके पार्टनर शादी तो करना ही चाहते हैं, अब आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो कमिटमेंट होगा आपका हस्बैंड और वाइफ बनने की। ऑब्वियसली हमारे पास टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो दिखाता है शादी को, एस ऑफ सोर्ड्स, अब आप दोनों के बीच, रिश्ते के बीच में, क्योंकि जब आपके पार्टनर अब आएंगे तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा वो दुनिया से धोखा खाकर आपके पास आएंगे, तो उनको आपकी कदर महसूस हो जाएगी, वो आपके बारे में इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि वो आपके बारे में किसी से कुछ सुन भी नहीं सकेंगे। अगर वो लोग उनके उनको कुछ कहते थे आपके बारे में नेगेटिव और वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे, आपको ज़रा भी वैल्यू नहीं देते थे, आपको इंसल्ट कर देते थे, उन्हें समझ आ जाएगा, अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने हमेशा, अभी इस वक्त तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में, गिल्ट के साथ उनका ऑब्वियस ईगो भी है, तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी से आप लोगों को बचकर रहना है, दोनों को झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि टावर मूवमेंट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये बॉटम की एनर्जी है और यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कॉइंस, आज थ्री की एनर्जी ज़्यादा है, बॉटम में भी बहुत ज़्यादा है एंड कार्ड्स में भी थी। जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, वो तो डेफिनेटली आप दोनों के इस रिश्ते से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। हम कुछ कार्ड जोड़ लेते हैं। अच्छी एनर्जी है, ब्लॉकेजेस, कुछ लोग कहते हैं मैम बहुत साल हो गए, बहुत सालों से हम वेट कर रहे हैं, तो देखिए अब आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, थर्ड पार्टी पूरी तरह से चले जाए। आपको क्या करना है, एकदम पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपने वर्क पे पूरा ध्यान लगाइए। क्यों? क्योंकि अब आपको ब्लॉकेजेस तो नहीं क्रिएट करने हैं ना, वो लेट गो टेक्निक यूज़ हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे तो। बिग हैप्पी चेंजेस, अच्छे चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, काश में भी ये आया था कि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बीच में ज़्यादा ही कहाँ सुनी हुई है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको सॉरी करें, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है लेकिन वो गिल्ट में हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पार्टनर अपने अल्फाज वापस लेना चाहते हैं जो भी उन्होंने कहा था। नेक्स्ट, डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, डिवाइन टाइम आने वाला है। मैंने शायद अभी आपको बोला था कि आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें नेगेटिव सोचकर, एकदम पॉजिटिव रहें, डिवाइन टाइम आ रहा है और खास तौर पर आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े और अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। ओके, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो हमेशा आगे बढ़ते रहें, सेल्फ लव करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करें और हमेशा हमेशा खुश रहें, ऊपर वाला बहुत सारी खुशियाँ दें आप सभी को। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।